राम राम भाई सारे वीडियो देखने वाले भाइया ने आज हम आपके लिए लेकर आए एक स्पेशल वीडियो महेंद्रा अर्जुन 755 ट्रैक्टर का जो कि पिछहत्तर एच का फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है और गुड़िया खाप के प्रधान जी सुनील जी का ट्रैक्टर है और इसके ऊपर लग गया काफ़ी बड़ा बम्पर जिसका वज़न किसान भाइयों साढ़े बारह क्विंटल है और चौड़ाई लगभग जो है दस फिट के आसपास की है और आपको मैं नाप के भी दिखा दूँ और दोनों साइड से आप इसमें देख सको लगभग ढाई ढाई फुट दोनों साइड हम लेकेट रहे हैं और लगभग पाँच फुट के आसपास जो है बीच में रहे तो दस फिट के आसपास इसकी चौड़ाई है और इसको बम्पर के अंदर वह अंदर से खाली है ये डीजल टैंक इसका बनाया गया है और इसके अंदर छः सौ लीटर डीजल डल जाता है एक बार में ही और आप देख सको किस डिज़ाइन से इसको बनाया गया है कितनी मोटी प्लेट इसके अंदर लगाई गई है आप देख सको लगभग जो है तीन उंगली प्लेट के ऊपर रखी जा सके इतनी मोटी प्लेट का यह बम्पर बनाया गया है और ट्रैक्टर काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है भाई आठ टायरों के साथ इसके साथ साथ जो है भाई प्रधान जी की ट्राली भी बूटर ट्रैक्टर वर्क साफ पाई है इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन होना है जो कि हम आपको पहले नहीं बताएंगे मॉडिफिकेशन होने के बाद और जो इसका कलर पेंट हो जाएगा उसके बाद एक वीडियो फिर स्पेशल डालेंगे आपके लिए और आप देखो जो पीछे की साइड ये स्टेज वगैरह बना रखी थी इसको भी और चौड़ा कर दिया गया है बराबर में आप देख सको दोनों साइड में कितनी चौड़ाई इसकी बढ़ा दी गई है काफ़ी शानदार नज़र आ रही है और दोनों टैरों को ये कवर कर रही है और इसके ऊपर जो है हम बच्चे को चढ़ाएगा आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसके ऊपर खड़ा होने की जगह है जैसे स्टील के पाइप वगैरह आपने दिख रहे होंगे किसान भाइयों देखो जहाँ पर ये बच्चे खड़े हो के इन्जॉय कर रहे हैं वीडियो बनवा रहे हैं अपनी बिल्कुल यहाँ पर एक बहुत चौड़ी और लंबी स्टेज बनाई गई है जिसके अंदर स्टील के पाइपों का इस्तेमाल किया गया है और जहाँ पर आठ दस आदमी एक साथ खड़े हो सकते हैं और इसी के नीचे जो है सामान वग़ैरह रखने के लिए एक तरह से कह स्टोर तो है मतलब काफ़ी जगह है इसके अंदर सामान रखने की भी अगर कहीं इंपोर्टेड जगह जाते हैं प्रधान जी तो वहाँ पे इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है ये हाथी जैसी काया वाला ट्रैक्टर है और जिसके ऊपर बच्चे खड़े हैं काफ़ी मज़े इन्जॉय कर रहे हैं इसके ऊपर उक्का खाट का को लगाया गया और अगर हम देसी भाषा में गए एक गंडासी इसके ऊपर अटैच की गई है लगाई गई है काफ़ी सुंदर ट्रैक्टर नज़र आ रहा है भाई जो बूटर ट्रैक्टर के पास यहाँ पे ट्राली जो आई है इसका भी हम दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा जैसे इसके अंदर यहाँ पे इचिंग पॉइंट के साथ ही वायरिंग दे रखी है ताकि ट्राली के अंदर लगी लाइटें वगैरह जलाई जा सके फ्रंट में शीशा लगा रखे है स्टील के फ्रेम में और जो इसके ऊपर एक बेलचा लगे हुआ है बराबर में बेल्चा मतलब आप समझती है इसलिए ये, ये फ़िक्स कर रखे उतारने का नहीं है और पंद्रह नंबर के अलॉय व्हील हैं इसके अंदर भाई चार टायर हैं दो एक साइड में दो एक साइड में और ये टायर जो हैं स्कॉर्पियो वगैरह गाडी में यूज़ किए जा हैं पंद्रह नंबर के ये किसी और गाड़ी के भी हो सकते हैं लेकिन मैंने साइज़ बताया पंद्रह नंबर का उसमें डाला जाए और सीट आप देख सको ब्रांडेड सीट है जो कि लग्जरी बसों वगैरह में लगाई जा हैं वो सीट इसके अंदर लग रही हैं और पीछे जो भाई लिखा हुआ है सरोगुलिया खाप शक्ति वाहन और गांव जहांगीरपुर अंदर से दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा ट्रैली के अंदर से जैसे फर्श वगैरह देखो कितना ब्रांडेड है इसके अंदर और इसके अंदर कंबल बिछाया गया फर्श के ऊपर और इसके वेट वगैरह वे रखे जो ट्रैक्टर के रखे हैं इनको भी अटैच करना है कहीं ना कहीं पे या फिर उनके ऊपर लगाना होगा दोबारा से और पीछे जो डीजल की कैन लगी हुई है फ्रेम बना के उसको लगाया गया काफ़ी मतलब स्टाइलिश तरीके से ट्रॉली तैयार की गई है और नीचे पायदान के ऊपर लिखा गया है होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी जिसका मतलब आप समझते ही हो मेरे बताने की तो शायद ज़रूरत तो ना होगी आपने और नीचे एक जो है पानी वगैरह के लिए छोटा सा टैंक भी लगाया गया है इसके आगे ठुट्टी लगी हुई है काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी लगे हुआ और इधर साइलेंसर टाइप बनाया गया है और इस साइड से भी दिखा देते ट्राली आपको थोड़ी सी ये देखो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है और शेर के लोगो वगैरह लगाए गए हैं काफ़ी अच्छी है ट्राली भी तो किसान भाइयों आज हमने आपको दिखाया गुलिया खाप के प्रधान सुनील जी का पिछहत्तर एचपी का फोर व्हील आठ ट्रैक टायर वाला शक्ति वाहन आती जैसी विशाल गाय वाला जिसके अंदर 600 लीटर डीजल एक बार में डाला जा सकता है तो बताना जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी तो मिलते हैं किसान भाई किसी नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स